गुड मॉर्निंग। आज हो रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं अभी आज बहुत लेट उठी हूँ। एक्चुअली मैं रात की थक चुकी थी, डांस वगैरह बहुत किया था हम लोगों ने। सो गाइस, अभी हमारी आज दिन की शुरुआत देखते हैं कैसे होती है। अभी मैं फ्रेश थोड़ा सा हो चुकी हूँ, नहा के मेकअप वगैरह थोड़ा सा कर लिया है, तो अभी पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखते रहिए हमारी वीडियो एंड तक। बाय गाइस। देखिए गाइस, लतिका धो रही है कपड़े, तो शादी के बाद फर्स्ट टाइम ही धो रही थी ये मशीन में। देखो कब से लगी हुई है मॉर्निंग से, अब कपड़े धोने के बाद ये वॉशरूम भी साफ करेगी, अंदर से भी और बाहर से भी ब्रश मारेगी हर जगह, बिल्कुल सफाई क्लीनिंग करेगी वॉशरूम की। देखो जो चिकनाई हो रखी है कपड़ों की वजह से, और वॉशरूम के बाहर भी पोछा लगाएगी मुझे। क्लीनिंग भी नंबर वन है, क्लीनिंग बड़ी अच्छी करती है। मशीन कर ली है साफ, बिल्कुल कपड़े हो गए फिनिश होने वाले, बस क्लीनिंग रह गई है, अब ये क्लीनिंग करेंगे। देखिए गाइस, लतिका फिर से जा रही है मायके आज, इसको रो रो मायके जाने की पड़ी रहती है। देखो 2 मिनट में रेडी हो गई है मायके जाने के लिए। लेट्स सी पे देखो, चलो चलो लड़की को ठंड ही नहीं लगती। चलिए अरे हम लोग जा रहे हैं अपने घर, मैं अनी और दी। दी मैंने सोचा दी छिप गई है कहीं, तो देखते हैं कब पहुंचते हैं वहां पे। सरसों के फूल, फूली हुई सरसों। तो गाइस, जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि हम मम्मी के घर में गए थे, बहुत काम किया वहां पे जाके, हालत भी खराब हो गई है देख सकते हो। मुझे ड्रेस भी वहां जाके चेंज करनी पड़ी, फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया, तो एक्चुअली मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए थोड़ा सा काम करवाया, लंच वगैरह किया। अब हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं अपने घर, देख सकते हो। सो गाइस, ये देखिए हमारी भाभी जी,
सारा काम फिनिश करके आए। थैंक यू भाभी, आज आपने बर्तन जो है अकेले साफ कर दिए, आज आपने मुझे नहीं बोला बर्तन साफ करने के लिए। लव यू सो मच, लव यू, थैंक यू, बाय। सो गाइस, ये मेरी भाभी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी। लव यू 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 सो मच, बाय गाइस। हेलो गाइस, तो गाइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कल हम लोग फंक्शन पे जाएंगे, सो अभी हम लोग कर रहे हैं तैयारी फंक्शन की। तो कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ, कपड़े मैंने कर लिए हुए हैं। एक्चुअली मैंने कल रेडीमेड ड्रेस डालनी है, गाउन वगैरह। सो गाइस मम्मा के थे कुछ प्रेस करने वाले, तो वो कर रही हूँ। पापा के ऑलरेडी मैंने करके रखे हुए हैं पहले से, अनी के भी किए हुए हैं, और अब मम्मा के करने हैं बस लास्ट। फिर मुझे इतनी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एक्चुअली मैंने घर में आज बहुत सारा काम किया, सच में पूरी तरह से थक चुकी हूँ। अब मैं मन ही नहीं कर रहा है कि मैं कुछ काम करूँ। आज मैंने वैसे कुछ किया नहीं खास, मम्मा जब हम लोग आए तो मम्मा ने खाना बना दिया हुआ था, तो उसके बाद मैंने चटनी वगैरह बनाई बनाने की, और मम्मा ने खाना वगैरह डाल के दिया हम लोगों को, मैंने खाया। अभी बर्तन साफ कर रहे हैं दी भाभी दोनों। एक्चुअली मुझे मम्मा के कपड़े थोड़े स्टी करने थे, तो इसलिए मैं रूम में हूँ, और बस जैसे कपड़े प्रेस होंगे तो हम लोग बस जल्दी सो जाएंगे। नहीं यार, अभी मुझे मम्मा के पाँव भी दबाने हैं, सो वो मैं तो आके थोड़े टाइम। तो वैसे मैं अकेली नहीं हूँ, भाभी आ गए हम लोगों के, तो मैं और भाभी दोनों मिलके मम्मा के पाँव जो है वो दबाएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग जल्दी सो जाएंगे आज। आज हम बॉर्डर पे भी गए थे। हाँ, आप लोग भी देखिएगा गाइज मेरी वीडियोस एंड तक, और आपको मिलेगा बॉर्डर एरिया। देखना कितना ग्रीन ग्रीन है वहाँ का, लैंड बहुत अच्छा है, और बहुत मज़ा आया वैसे आज। नहीं, आपके घर के पास बैठा ना? हाँ, वो मेरे घर के पास है बॉर्डर एरिया सारा, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है। हाँ, वो भी देखिएगा गाइज आप लोग मेरी वीडियोज में, बहुत अच्छा एरिया। सो मज़ा आया कैसे खूब, बस थोड़ा सा काम ज़्यादा था मम्मा के घर में, मम्मा ठीक नहीं थी और उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी थकान हो चुकी है, बाकी और कुछ नहीं। कल रात को फंक्शन से भी लेट आए थे। हाँ हाँ, नींद पूरी नहीं हुई सुबह, घर वाले फंक्शन से लेट आए थे, उसके बाद नींद नहीं आ रही थी, फिर बहुत लेट नींद आई। तो कल फिर से फंक्शन है। एक्चुअली अभी फंक्शन का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे साथ में हमें फर्स्ट टाइम बुला रहे हैं सभी, वो खाने पे, डिनर पे, लंच पे। सो हम लोग जाएंगे, अभी हमारा स्टार्ट है ना कल से। हाँ कल से हमारा स्टार्ट है, कल हम वहाँ पे जा रहे हैं। फुफा जी है वो हमारे, ताऊ जी है। कल सुबह जल्दी निकलना है। हाँ 8 बजे निकलना है, डेंटिंग पेंटिंग कर लेना सुबह जल्दी उठ के, जो भी करनी होगी वो मैं वहाँ पे जाके करूँगी। घर से ऐसे थोड़ी जाना, पहले फर्स्ट टाइम जाना उनके घर पे। हाँ कल हम वहाँ पे जाएंगे, तो उसके बाद फर्स्ट को हमारी बड़ी दी बुला रहे हैं, फर्स्ट को हम वहाँ पे जाएंगे। सेकंड को क्या है? सेकंड को स्पेशल है, कुछ स्पेशल डे है मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली सेकंड को अनी का बर्थडे है। सो गाइस प्लीज आप लोग एडवांस में अनी को हैप्पी बर्थडे बोल दें, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं जरूर कि मैं क्या गिफ्ट करूँ इनको, इनके लिए क्या सही रहेगा। कहाँ पे जाना है सेकंड को? हाँ, और सेकंड को हम लोग जा रहे हैं पंजाबी हवेली जम्मू, दो मेल। हाँ तो बाईपास कट रहा, वहाँ पे जाके खूब एंजॉय करेंगे हम लोग। सो दिस इज को पहले थोड़ा घर पे कर लेंगे ना, क्या सेलिब्रेशन? हाँ सेलिब्रेशन, हाँ कर लेंगे रात को 12 बजे को, देखेंगे केक वगैरह कट रात को कर लेंगे मम्मा पापा के साथ। उसके बाद हम सेकंड को वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे सेलिब्रेशन वगैरह करेंगे। सो गाइस देखते रहिए, और ये देखिए हमारी दी हार लेके आ गई, आ गई अभी हार डाल के गले, जहाँ हमें फंक्शन के लिए जाना है ना उनको डालना है। ये हमारी दी जा रहा है, बहुत अच्छा। हाय, देखो मैंने हार अच्छा बनाया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी दी ने हार कैसा बनाया। सो गाइस बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, देखिए हमारी वीडियोस और हमें बताएं कि कैसे बना रहे हैं हम लोग वीडियोस, कैसे लगते हैं आपके हमारे सभी करेक्टर्स।
सो गाइज ओके बाय गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल नई सुबह के साथ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।